So hey guys, what's everybody? It's your boy Mohit Singh, back at it again with a new video. Okay, so you guys are watching my YouTube channel Mohit Vlogs. So guys, मैं आ चुका हूँ आपके लिए brand new vlog लेके. So ये vlog अपना कुछ different होने वाला है. So आप देखते रहिए क्या होने वाला है क्या नहीं. मैं आपको vlog के अंदर सब कुछ बताऊँगा. आज मैं आ चुका हूँ चारमीनार, जो हैदराबाद की आन बान शान, हैदराबाद जिस चीज़ के लिए फेमस है अपना जो चारमीनार है उसको मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ. सो देख सकते हो आप, ये मेरे पीछे एक चारमीनार है. सो मैं अभी आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ. सो मैं आपको अंदर लेके जाके बताऊँगा चारमीनार अंदर से कैसा रहता है. सो क्या क्या है और इसको बनाने की वजह क्या है. सो सब कुछ मैं आपको पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्लोर करूँगा. सो मेरे ब्लॉग के एंड तक बने रहना. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो फाइनली गाइस हम अंदर एंटर हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. भाई देख के यार, ये पूरे कुल मिला के ये स्टेप्स अपन को 149 मिलेंगे. 149 या पूरे टोटल स्टेप से जितने भी आप देख सकते हो ये पूरे 149 है. मेरे को ऊपर देख के चलना पड़ेगा नहीं तो मेरा सर्वर लग सकता है. देख सकते हो पूरी कितनी साल पुरानी है ये पूरी स्टेप्स वगैरह, और दीवारें भी आप लोग देख सकते हो कितनी साल पुरानी है. मैं ही फर्स्ट टाइम आया हूँ जस्ट बिकॉज फॉर एक्सप्लोरिंग ब्लॉग में एक्सप्लोर करने के लिए फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं. मंदिर के ऊपर देख रहे हो भाई. हाँ डूड, आप देख सकते हो. मैं आपको ब्लॉग के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पे एक टेम्पल है लक्ष्मी माता का. सो उसके ऊपर ये खिड़की है, सुराख वगैरह है. सो देख के चलना पड़ेगा. पीछे से भी आ रहे हैं. सीरियसली डूड, यहाँ पे फोटो शूट भी होती होगी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. सो आप ब्लॉग के एंड तक बने रहिए. बहुत ओपी मजा आने वाला है. सो आपको मैं पूरी पर्टिकुलर चीज बताऊंगा एक एक तरीके से. सो देख के अभी आप एंजॉय करो ब्लॉग को. थोड़ा यहाँ पे हमारे को दिक्कत हो रही है ब्लॉग शूट करने में, स्टेप्स बहुत छोटी छोटी है. जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं ऊपर एंटर हो चुके हैं. सो आप लोग सोचते होंगे कि ये चारमीनार किसने बनवाया और कब बना और ये बनने की वजह क्या है. सो डूड, ये चारमीनार बना था 1591 में. और ये बनवाया था सुल्तान कुली कुतुब शाह ने. आपने नाम सुना होगा, जो हैदराबाद के निज़ाम थे सुल्तान कुली कुतुब शाह, उन्होंने ये चारमीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया था. और ये बनने की वजह थी कि जब वो टाइम पे 1591 के पहले जब चारमीनार में कुछ हैदराबाद में कुछ वायरस आ गया था, जैसे कि हाल में कोरोना वायरस करके अपने इंडिया में पूरा वर्ल्ड में वायरस फैला था, ऐसे ही हैदराबाद में 1591 से पहले यहाँ पे एक वायरस आया था, कोरियन करके कुछ ऐसा नाम था, कोलोरिया ऐसा कुछ नाम था वो वायरस का. सो जब वो सुल्तान कुली कुतुब शाह थे उन्होंने अल्लाह से प्रे किया था, अल्लाह को प्रे किया था कि अगर मेरे ये शहर से वो वायरस चले जाएगा तो मैं एक चारमीनार करके इमारत बनवाऊंगा. सो वही वजह है जो ये चारमीनार आज कंस्ट्रक्टेड है. सो वर्ल्ड के जो टॉप आर्किटेक्चर थे नाटू, वो आर्किटेक्चर से ये चारमीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था. सो वही मैं इतना ही बोलना चाहूँगा. और आप ब्लॉग के अंत तक बने रहो, आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा. सो एंजॉय करो ब्लॉग को एंड तक. सो वही enjoying my vlog.
सो ऐसे एंजॉय करते रहो ब्लॉग को, और थोड़ा सा बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। सो अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि वहाँ पे देखना कैमरा में ब्लॉग में आपको पूरा एक कैप्चर करूँगा। ये थोड़ा सा जो भी है ना, ये थोड़ा सा चारमीनार की जो भी सीन वगैरह है, जो भी आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा ताजमहल से मिलता है। तो आपने ताजमहल देखा होगा तो थोड़ा सा ये ताजमहल से मिलता जुलता है। सो वही, सो आप व्यू को एंजॉय कर रहे हो क्या? ब्लॉग बना रहा हूँ, क्या चिल्ला रहे हो, परेशान हो गया? अच्छा नहीं बोल रहा सोचा। सो वही, सो आप व्यू को एंजॉय करो। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जाके प्रो कैप्चर करना। भाई दोनों हाथों से पकड़ो, नीचे गया तो फिर खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था, चारमीनार एक इंडो इस्लामिक इमारत है। सो अपने सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। आपको पता होगा कि नहीं कि सुल्तान कुली कुतुब शाह थे जो एक पोएट थे, तो उन्होंने अल्लाह से एक पोएट में एक प्रे मांगी थी कि अगर मेरी ये हैदराबाद से ये वायरस चले गया तो जैसे तालाब को मछलियों से आबाद किया है, वैसे ही मेरे हैदराबाद को और चारमीनार को ऐसे पब्लिक से आबाद कर देना। तो आप देख सकते हो वीडियो में चारमीनार के चारों तरफ पूरी पब्लिक ही पब्लिक रहेगी, पूरी जितने भी। और चारमीनार का आपको ये बात पता नहीं होगी कि चारमीनार पे 14,000 दुकान है गाइस, 14,000 दुकान है आई स्वेयर। और जितनी भी दुकान है ना, ये पूरी शॉपिंग की, आपको इंडिया में कहाँ भी नहीं मिलेगा इतना बड़ा शॉपिंग का बाज़ार लगता है यहाँ पे। पूरी कुल मिला के 14,000 दुकान है। और आप वीडियो के अंदर बने रहो, आपको और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा मैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up. आप लोग देख सकते हो जो हैदराबाद में बुल्डर हाउस, जिसको आप जानते हो बुल्डर हाउस, ये बुल्डर हाउस की कमान है। तो ये बुल्डर हाउस की कमान है। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन व्यू है यहाँ का। तो आप भी और चारमीनार को और ये व्यू को आप एंजॉय करो। तो वही, और बेहतरीन फोटोशूट होगी यहाँ पे। तो वही, creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so free. Laad Bazaar hai, jo India mein ladies ki shopping ke liye mashhoor mana jata hai. Aap dekh sakte ho. So bhai, hum aage chalte hain aur aage bhi aapko bataunga ki kya kya feature hai kya. So let's go. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better me.
वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।